बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर द स्टूडेंट्स? आई होप यू विल बी फाइन। कम टू द टॉपिक स्टूडेंट टुडे, एंड आवर टॉपिक इज रीड एंड मैच वर्ड्स। बस फर्स्टली अकॉर्डिंग टू आवर प्रीवियस लेक्चर वी विल मेंशन द डेट ऑन दिस गिवन कॉर्नर, लाइक जून 2nd 2020, एंड ऑल्सो we'll mention the day Tuesday. Come to the topic. Today our topic is read and match words. Actually here we have three pictures with words. First word is black, second blue, and the third one is block. First word is black. Students, you can see the indication towards the black hair of girl. The black word is, the black word represents the black hair of girl. Okay, second word blue, third one is block. Similarly, here we have a number of words like blood, bloom, blonde, blur, blade, blame, blank, bleat, blind, and blow. Come to the first activity. This is very interesting activity. Students, look at these icons. First read and second match. So we will work on this page according to these two icons. First we will read the words, then we'll match the words. We'll match the same words with the help of scale. For example, blade, word is matched to the same word blade. You will match the word blame is to the same word blame. Like both the block having same structure. Come to the next activity. Okay. Look at the icons, make and write. So firstly, students, you will make the word, then you will write the word one by one. The first word is bull egg. So the word became black. Next word, bull aim. So the word became blame. You will write the word twice. The next word, blank, then bleed, blind, blow, blood, and blur. Come to the next and last activity. Fill in the missing words. बेटा इस एक्टिविटी में हम ये जो हमें ब्लैंक सीखेंगे हम इनको फिल करेंगे, ठीक है? जो हमें ये वर्ड्स दिए गए हैं इनकी हेल्प से, सही है? हम स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, इसके बाद ये जो हमें 5 वर्ड्स दिए गए हैं हम इनमें से एक सूटेबल वर्ड जो है वो चूज़ करेंगे। इस तरह से जो सेंटेंस है उसकी एक प्रॉपर सेंस बन जाएगी। अब फर्स्ट हम सेंटेंस की तरफ आते हैं। द कलर ऑफ माई कोट इज़ डैश। इसमें कहा गया है कि कोट जो है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है? मेन the color of my coat, मेरे कोट का कलर डैश है। यहाँ हम आते हैं वर्ड्स की तरफ, तो इसमें कलर कौन सा है? ब्लैक, ठीक है? ब्लिंक, ब्लॉक्स, ब्लेड, ब्लाइंड, ये कलर्स का तो कोई नेम नहीं है ना, तो ये ब्लैक हम उधर राइट कर देंगे, ठीक है? देन हम जो सेकेंड वाली स्टेटमेंट की तरफ आते हैं, आई कैन डैश माई आइज। Blink, block, blade, blind. Obviously, we will choose the word blink. I can blink my eyes. मैं अपनी आँखों को blink कर सकता हूँ। Blink का मतलब होता है बेटा बार बार आँखों को झपकना, ठीक है? Blink. तो हम इधर blink write करेंगे। इसी तरह हमारी third statement होगी, this big wall is made of dash. दिस बिग वॉल, वॉल बेटे कहते हैं दीवार को, ठीक है? इज मेड ऑफ डैश, ये जो बड़ी दीवार है ये किससे बनी है, ठीक है?
अब हमारे पास वर्ड रह गए हैं ब्लॉक्स, ब्लेड एंड ब्लाइंड। तो हम ब्लॉक्स इधर राइट करेंगे और इसकी सेंस बन जाएगी ये बेटा थोड़ा सा मुझे लाइन से नीचे लिख हो गया है कैमरे की वजह से, तो आपने नीट राइट करना है, ठीक है। ये इसका बन गया कि ये जो बिग वॉल है ये ब्लॉक से बनी है, ठीक है। ओके, कम टू द फोर्थ सेंटेंस। अब्दुल्ला कट हिमसेल्फ विद अ डैश। अब्दुल्ला ने अपने आप को, हिमसेल्फ को मतलब होता है अब्दुल्ला ने अपने आप को कट लगाया विद अ ब्लेड। ब्लेड के साथ अब्दुल्ला ने अपने आप को कट लगा लिया, ठीक है। अब हम राइट करेंगे वर्ड ब्लेड। दिस मैन कैन नॉट सी, ये जो आदमी है नहीं देख सकता। ही इज डैश, ही इज ब्लाइंड। हम यहाँ राइट करेंगे वर्ड ब्लाइंड, ठीक है। ये आदमी जो ब्लाइंड है तो नहीं देख सकता। ब्लाइंड का मीन होता है अंधा, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट पेज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्टली वी विल मेंशन द डेट एंड डे, देन कम टू द टॉपिक। रीड एंड मैच बर वर्ड्स, रीड एंड मैच बर वर्ड्स। फर्स्टली दिस इज द पिक्चर ऑफ ब्रेड, सो द फर्स्ट वर्ड इज ब्रेड, सेकेंड वर्ड ब्रेक, थर्ड वन इज ब्रश। ये बच्चों आपको पता है ब्रेड जो हम ब्रेकफास्ट में लेते हैं, ठीक है। और ये ब्रोकन एक ऑब्जेक्ट दिखाया गया है, ब्रोकन, ठीक है। तो ये ब्रेक का मीन टूटा हुआ, ठीक है। और ये ब्रेक का मीन तोड़ना भी होता है, ठीक है। और मतलब कि ये टूटा हुआ दिखाया गया, ब्रोकन ऑब्जेक्ट है ये। और ये ब्रश। ओके, कम टू दी नेक्स्ट वर्ड्स। ब्रेन, ब्रैट, ब्रीथ, ब्रेक, ब्रेट, ब्रिज, ब्रिंग, ब्राइट, ब्रिस्क, ब्रिक, ब्रूम, ब्रीथ एंड ब्रोथ। लास्ट वर्ड इज ब्रोथ। ओके, इन फर्स्ट एक्टिविटी स्टूडेंट ऑब्वियसली यू विल राइट, यू विल मैच दी सेम वर्ड्स लाइक ब्रेक। द वर्ड ब्रेक इज मैच द वर्ड वर्ड ब्रेक। सो यू विल मैच दिस वर्ड ब्रीड। ब्रेड इज टू द वर्ड इज टू द सेम वर्ड ब्रेड। ओके, बोथ दी ब्लॉक्स हैविंग सेम स्ट्रक्चर। कम टू द नेक्स्ट एक्टिविटी। रीड दिस स्टेटमेंट। मेक एंड राइट बर वर्ड्स, मेक एंड राइट बर वर्ड्स लाइक प्रीवियस टॉपिक। इन दिस एक्टिविटी यू विल ऑल्सो फर्स्टली मेक द वर्ड्स, देन यू विल राइट द वर्ड वन बाय वन। द फर्स्ट वर्ड विल बी बर इन, बर इन। सो द वर्ड बी गेम ब्रेन। नेक्स्ट वर्ड ब अश, बर हर्श। सो द वर्ड बिकेम ब्रश। ओके, द नेक्स्ट वर्ड विल बी ब्रेक एंड द अदर ब्रेथ। ओके, बर रिच, ब रिच। सो द वर्ड बिकेम ब्रिज। द नेक्स्ट वर्ड इज ब्रिक एंड दिस बर होम। द वर्ड बिकेम ब्रूम एंड द लास्ट वर्ड इज ब एड, ब्रेड। ओके, यू कैन सी वील राइट द वर्ड्स वन बाय वन। कम टू द लास्ट एक्टिविटी। यूज द वर्ड्स टू आंसर द राइडल्स। इसमें बेटा बताया गया है कि हम जो ये गिवन वर्ड्स हैं इसको, इसका यूज़ करते हुए हम ये जो ब्लैंक्स हैं इनको फिल करेंगे, ठीक है। ये थोड़ी एक्सरसाइजेस टाइप के हमारी स्टेटमेंट्स होंगी और हम ये जो गिवन वर्ड्स हैं इनकी हेल्प से हम इन ब्लैंक्स को फिल करेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। वी यूज़ इट टू क्लीन द फ्लोर। हम अपना फ्लोर कहते हैं फर्श को, और यहाँ बताया गया कि हम फ्लोर को साफ़ करने के लिए, क्लीन करने के लिए हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं। ब्रूम, ब्रश, ब्रिक्स, ब्रिज या ब्रेड। बेटा ब्रूम,
हम ये वर्ड जो ब्रूम है फर्स्ट वाला ये हम चूज करेंगे और वहाँ राइट करेंगे, बिकॉज ब्रूम का मीन होता है झाड़ू, ठीक है। उर्दू में ब्रूम को झाड़ू बोलते हैं, तो ये जो वर्ड है ये इसके लिए बिल्कुल सूटेबल है इस सेंटेंस के लिए, तो हम लिखेंगे ब्रूम। सेकेंड स्टेटमेंट, वी क्लीन आवर टीथ विद इट, हम अपने दांतों को साफ करते हैं किससे, ब्रश, ब्रिक्स, ब्रिज, ब्रेड, ब्रश, हम अपने दांतों को किससे साफ करते हैं, ब्रश से। ओके, थर्ड स्टेटमेंट इज टू पास थ्रू वी गो ओवर इट, टू पास थ्रू वी गो ओवर इट, इसका हम राइट करेंगे बेटा ब्रिज। ब्रिज आपको पता है पुल को कहते हैं, तो हम अपना जो मतलब के पुल के ऊपर से गुजरते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ ब्रिज राइट करेंगे। फोर्थ स्टेटमेंट इज वी यूज देम टू बिल्ड हाउसेस, वी यूज देम टू बिल्ड हाउसेस, हम घरों को मकानात को, ये हाउसेस बेटा हम मकानात को कहते हैं, ठीक है। बिल्ड तामीर करना, घरों को तामीर करने के लिए हम जिनका इस्तेमाल करते हैं वो हैं ब्रिक्स। ब्रिक्स बेटा आपको पता होगा कि ईंटों को कहते हैं हम, तो हम यहाँ राइट करेंगे ब्रिक्स। कम टू द लास्ट स्टेटमेंट, वी ईट फॉर ब्रेकफास्ट, हम ब्रेकफास्ट के लिए क्या खाते हैं, ऑब्वियसली ब्रेड, हम यहाँ राइट करेंगे ब्रेड। बेटा आपने नीट एंड क्लीन अपना बुक वर्क करना है, उसके बाद इनको डन करने के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि 5 वर्ड्स जो हैं आपने उनको लर्न करना है, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने साथ साथ लेक्चर की तैयारी करनी है, ये नहीं कि आपने बहुत सारा वर्क जो है अपना वो इकट्ठा कर लेना है बाद में याद करने के लिए, आपने हर टॉपिक को साथ साथ अपना प्रिपेयर करते जाना है। और 3 पिक्चर्स वाले वर्ड तो मस्ट हैं, ठीक है, आपने वो लास्ट में करने हैं, उसके अलावा आप 2 और 3 वर्ड जो आपको इजी लगे वो आप कर सकते हैं। थैंक यू।